हे गाइस, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हो रहा है 9 o'clock और मुझे लगा कि आज क्यों ना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से शेयर करते हैं। वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना कर पाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम रहता है कि मैं बता नहीं सकती। 9 o'clock हो गए और ये बैठ गए हैं अपने पढ़ाई के लिए और इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गए। और इधर चलते हुए दिखाते हैं, वेदांशी पीछे आपको देख रही होंगी, बैठी हैं। तब दोनों बच्चों को हमने पानी, वार्म वाटर पिलाते हैं सुबह सुबह, तो गर्म पानी हमने पिला दिया है। सबसे पहला मेरा मॉर्निंग का काम रहता है कि बच्चों को पानी पिलाते हैं, और सबसे पहला कुकिंग का हमने एक तरफ दूध रख देते हैं और दूसरी तरफ जो है ये मूंग दाल वाली खिचड़ी, जो कि रात में ही हम भिगा के रखते हैं। और फिर इसके बाद इनको ब्रश कराते हैं। मेधांश तो खुद से ब्रश कर लेता है, तो ऑब्वियसली अभी तो वो बड़ा हो गया है, तो इनको ब्रश कराते हैं। और फिर इसके बाद तब तक जब तक नहा के आते हैं तब तक खिचड़ी बन जाती है और फिर दोनों बच्चों को दे देते हैं। फिर हम लोगों का अपना जो मतलब हम लोग जो ऑफरिंग करते हैं भगवान को, ऑब्वियसली हम लोग तो वही खाते हैं, तो उसके बाद ही मैं बनाती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि वो तो भगवान को चढ़ाते हैं। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना शूट कर पाऊँगी और क्या कर पाऊँगी। और सुबह क्योंकि ऑलरेडी बहुत भगदड़ मची रहती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, और क्योंकि मोस्टली मेरा ब्लॉग जो है जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद से शुरू होता है, मुझे लगा कि आज जो है मॉर्निंग से ही शुरू करते हैं। मैंने बनाया है चने की दाल, और जो चने वाली पूड़ियाँ फिल करके बनता है ना, वही मैं बनाने वाली हूँ, और ये ब्रेकफास्ट होने वाला है। और इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं पड़ा है, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल। और जैसा कि मैंने बोला था कि अभी मैं ज़ीरो ऑयल कुकिंग कर रही हूँ, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है तो प्लीज़ पीछे मत देखिएगा आप लोग। दाल जस्ट ऐसे पकाने के बाद, मतलब कुकर में अगर आप सीटी लगा दो 7-8, तो जस्ट ऐसे स्पैचुला से अगर इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, मैं दिखाती हूँ, अगर इस तरीके से कर देंगे तो ये अपने आप इसको मिक्सी वगैरह में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मॉर्निंग का आई थिंक कह सकते हैं कि 30% काम हम लोग का हो चुका है, क्योंकि चैतन्य को ब्रेकफास्ट दे चुके हैं। चैतन्य के लिए हमने बनाया था मूंग दाल की खिचड़ी, और वेदांशी के लिए भी, बट वेदांशी को भी खिलाना है क्योंकि उसको तो खिलाना पड़ता है। अभी जो दाल है इसको पहले ठंडा कर, दाल को फैन के नीचे रख देंगे जिससे जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि सुबह का टाइम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे? एक्सरसाइज नहीं कर रहे पापा के साथ? नो एक्सरसाइज? जब तक मेरा दाल ठंडा होगा तब तक वेदांशी के लिए खिचड़ी खिला देते हैं इसको। अच्छा बनाने जा रही हूँ दाल वाली पूड़ियाँ या पराठा जो भी। इनके लिए घी नहीं यूज़ करते हैं, अपने लिए हम यूज़ करते हैं, और लेकिन उसके पहले भगवान को ऑफर करते हैं। तो ये जो दाल वाला पराठा है इसमें हम ये चीज़ भी डालते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी मैं बना के दिखाती हूँ।
तो ये चीज़ वाला पराठा है, इसमें चीज़ डाल के और फिर ये चना का दाल जो है इसको फिल कर देंगे, तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। ये बन रहा है पराठा, तब तक आम की चटनी बना लेते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है ये मिर्चा, धनिया, आम और ये टमाटर। पराठा बना रहे हैं, इसको जो है ऑफरिंग भी करेंगे, ऑफरिंग वैसे वो दोनों पराठे भी करेंगे और ये वाले भी इसमें घी का है। सुबह सुबह इतना ज्यादा काम रहता है कि आप देख सकते हैं पूरा किचन मेरा थोड़ा सा बिखर गया है, बट मुश्किल से 3-4 मिनट में सब कुछ सिमट जाता है। और क्योंकि सुबह सुबह इतना ज्यादा काम रहता है, इतना ज्यादा काम रहता है कि लगता है कि पहले फटाफट काम खत्म करो और फिर उसके बाद ये तो फिर अरेंज हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह दोनों बच्चों को भूख लगी रहती है तो पहले उनको भी देखना होता है, फिर चैतन्य का ऑनलाइन क्लासेस रहता है, फिर बीच बीच में उसे भी जरूरत होती है कुछ कुछ चीजों के लिए, तो फिर वहां भी जाना होता है। तो आई थिंक अभी 9:30 हो रहा होगा, तब तक मेरा सारा ब्रेकफास्ट मतलब दोनों बच्चे खा लिए हैं और हम लोगों का जस्ट ऑफरिंग करने के बाद खाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन रहता है, क्योंकि इनका काम रहता है मॉर्निंग की आरती करना और इनका खुद का एक्सरसाइज करने में ही 30 मिनट लग जाता है और जब तक इनका सूर्य नमस्कार और पूरा एक्सरसाइज वगैरह करने में इनको आधे घंटे लग जाते हैं। तो अब जाके आई थिंक इनका खत्म हुआ है और ये ऑफिस की तरफ अपने चल रही है, तो बस ऑफरिंग करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले भगवान के लिए जो प्लेट है वो तैयार कर लेते हैं, और चूंकि मॉर्निंग में ही था तो अभी हमने किसी अलग बर्तन में नहीं रखा, इसमें जस्ट बनाए गरम गरम, तो इसमें ही, क्योंकि जिससे थोड़ा ठंडा भी हो जाए, क्योंकि भगवान भी खाते हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं दे सकते हैं। भगवान के लिए प्लेट लग गई है और अब हम जा रहे हैं उनको भोग लगाने के लिए। चलिए चलते हैं। मॉर्निंग का ऑलमोस्ट 50% काम अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि दोनों बच्चे खा लिए, भगवान को भोग लग गया, तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 50% काम हो गया है। अब हम लोग भी ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब जब भोग भगवान का हटाएंगे मतलब वहाँ से लेंगे, तो फिर इसके बाद हम लोग भी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर इसके बाद मॉर्निंग का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और अभी हो रहा है 9:40, तो 9:40 तक हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो अब हम लोग का टाइम आ गया ब्रेकफास्ट करने का, और ये बटर मिल्क कर्ड नहीं लेते हैं, बटर मिल्क ही लेते हैं, तो इनके लिए बटर मिल्क, मेरे लिए कर्ड। हो चुका है मॉर्निंग का, अब मैं जा रही हूँ और ये सोफे का पूरा कवर वगैरह इन्होंने हटा दिया है, पर पहले हॉल को क्लीन कर लेंगे फिर इसके बाद जो है काम को आगे बढ़ाएंगे। Thank you.
हमने थोड़ा क्लीन कर दिया, अभी बाद में जब ये सोएगी तो फिर झाड़ू और पोछा लगाएंगे। और आज ये बालकनी क्लीन करना है हमें पानी से, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। तो जब ये सोती है तभी मेरा झाड़ू और जो मॉपिंग है वो हो पाता है। और अभी आ चुके बाहर का बालकनी क्लीन करना है, तो अभी जब ये इसको नहलाने के पहले ही बालकनी क्लीन कर लेते हैं। उससे क्या रहता है कि ये थोड़ा सा पानी से खेल भी लेती है और तुरंत फिर इसके बाद इसको नहलाते हैं और सुला देते हैं, अगर क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे पानी से जब खेलेंगे तो थोड़ा भीग तो जाते ही हैं। तो यही है। और मॉर्निंग का काफ़ी बिजी टाइम रहता है, मतलब जब ये सो के उठती है तब उसके पहले तक मेरा सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग का सारा फिर घर की क्लीनिंग, बर्तन क्लीनिंग और सब कुछ सही करना, अगर बेडशीट वगैरह चेंज करना है वो, और अगर कपड़े कभी डालना, कभी कभी शाम में भी डालते हैं जब ये उठ जाती है, क्योंकि उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब ये अलाउ कर देती है क्योंकि ये खुद ही हेल्प कर देती है। मतलब अगर आप बच्चों को इंगेज कर लो, थोड़ा इन्वॉल्व कर लो उनको, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो कपड़े तो जस्ट डालना रहता है, तो वो तो जब ये जगी रहती है तो भी हो जाता है, बट हाँ झाड़ू पोछा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितना आप क्लीन करोगे वो पीछे 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 वो पूरा फिर गंदा भी होता रहता है। तो जब ये सोती है तो वही परफेक्ट टाइम होता है मेरे लिए झाड़ू और मॉपिंग के लिए। और यही था, मुझे लगा कि मैं हमेशा जब ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगा कि आज क्यों ना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि जब आप वीडियो बनाने लगते हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, क्योंकि हर चीज़ दिखाना तो थोड़ा स्लो हो जाता है, जो भी काम रहता है। और ये बहुत अच्छे से तो शूट नहीं हो पाया, बट जितना हो पाया है मैंने किया है। और तो अभी हो रहा है 11, तो मतलब 11 बजे तक अभी ये सब कुछ हो गया है। अब वेदांशी ने मॉर्निंग में खिचड़ी खाया था, अभी एक बनाना अभी इसने खाया है, क्योंकि खिचड़ी बहुत सही से नहीं खाई, मतलब खाई है बट हाँ इतने अच्छे से नहीं खाई है। और अभी सुलाने के पहले इसको जस्ट हम मिल्क पिलाते हैं, तो फिर इसके बाद ये नहाएगी और फिर तुरंत सो जाती है। अभी 12 बज चुका है, 12:30 हो चुका है, और ये वेदांशी भी नहा लिए, खेल भी लिए और नहा भी लिए, अब जा रही है सोने, और ये मेधांश फ्री हो गए अब। तो एक बच्चे की ड्यूटी खत्म होती है तो दूसरे बच्चे की ड्यूटी शुरू। तो इधर आप देख सकते हैं बर्तन साफ हो गया, किचन पीछे पूरा क्लीन हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ फ्रूट सैलड बनाने, तो क्योंकि आफ्टरनून में फ्रूट्स ही खाने का टाइम होता है। Do my two-step.